हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है नोमी और आप देख रहे हैं पिक्सल परफेक्ट। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नाइकॉन का D5000 कैमरा, और इसके साथ जो लेंस मैंने अटैच किया है ये लेंस है 35mm 1.8G। और आज हम इससे कुछ फोटोशूट और वीडियो शूट करेंगे और इसका रिजल्ट चेक करेंगे कैसा हमें मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये कैमरा जो नाइकॉन का D5000 है, ये D5000 से ही इसकी सीरीज शुरू होती है। इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट मॉडल आया था वो 5100 था, 5100 के बाद 52 और 53, फिर इसमें 5500 और 5600 तक ये कैमरा आया। D5000 जो मेरे हाथ में इस वक्त है, इसकी अगर स्पेक्स की बात करें तो ये इस 2000, सबसे पहले मैं आपको बता दूं लॉन्चिंग डेट जो है इसकी, वो 2009 में ये मार्केट में आया था कैमरा। उसके बाद अगर फोकस पॉइंट की बात करें तो इसमें 9 ऑटो फोकस पॉइंट मिल जाते हैं, 12 मेगापिक्सल का ये कैमरा है। LCD की बात करें तो इसमें आपको 2.7 इंचेस की LCD मिल जाती है जो कि नीचे की तरफ रोटेट होती है। अब यहाँ पे इसमें एक इशू देखने को मिला है कि जब आप ट्राईपॉड पे लगा के कोई वीडियो शूट करते हैं तो ये ट्राईपॉड के आगे LCD आ जाती है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं, इसका रिजल्ट चेक करते हैं वीडियो में और पिक्चर्स में हमें कैसा मिलता है। फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की नाइकॉन D5000 की वीडियो। इसके साथ जो मैंने लेंस अटैच किया हुआ है वो 35mm 1.8G है, और मैं आपको इस लेंस अगर बॉडी की प्राइस बताऊं तो इस बॉडी की प्राइस तकरीबन लगभग 25,000 से 30,000 है पाकिस्तान में, अगर बहुत अच्छी कंडीशन में जैसे ये कैमरा है। और इसके अलावा अगर लेंस की बात करें तो इस कैमरे से महंगा इसके साथ लेंस अटैच हुआ है जिसकी प्राइस जो है वो 35 से 40,000 है।
और अगर इसके रिजल्ट की बात करें तो जितना अच्छा लेंस आप बॉडी में यूज़ करेंगे, जितने ही अच्छा आप इसका उसका लेंस का अपर्चर होगा, इतनी अच्छी शॉर्ट इमेजेस और वीडियोस आपको मिलेंगी। और इसी तरह से मजीद DSLR और कैमराज की इंफॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।